कक्षा 12 विषय मानव भूगोल के मूल सिद्धांत दिनांक 10/7/2021। हमारा जो बिंदु है वो प्राथमिक क्रियाओं के संबंध में है। तो प्राथमिक जो क्रियाएं होती है क्या होती है, तो प्राथमिक क्रियाओं के कौन कौन से उदाहरण होते हैं और ये क्रियाएं विश्व के अंदर कहाँ पर की जाती है, कौन कौन सी जाति जनजातियों के द्वारा की जाती है। तो जो प्राथमिक जो क्रियाएं होती है इनका हम संबंध देखें तो सीधा इनका जो संबंध होता है, जो प्रकृति होती है, प्रकृति से विभिन्न जो वस्तुएं होती है वो प्राप्त होती है और जो विभिन्न जो वस्तुएं जो प्राप्त होती है उनसे आय की प्राप्ति होती है, इनको हम आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं। तो वो समस्त प्रकार की जो क्रियाएं वस्तुएं जिनसे आय की प्राप्ति होती है उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये आर्थिक जो क्रियाएं हैं इन आर्थिक क्रियाओं को चार वर्गों के अंदर विभाजित किया गया। तो कौन कौन से चार प्रमुख जो वर्ग है जिनको विभाजित किया गया, पहला जो भाग है प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीय क्रिया, तीसरा तृतीय क्रिया, चौथा चतुर्थ क्रिया। तो इस तरह से हमारी जो नवीन जो पाठ्य पुस्तक है इसके अंतर्गत ये चार प्रकार की क्रियाएं बताई थी। और जो प्राथमिक जो क्रियाएं होती है क्या होती है, तो प्राथमिक जो क्रियाएं होती है इसका अभी हमने आपको बताया कि इसका जो संबंध होता है सीधा प्रकृति या पर्यावरण से होता है, क्योंकि इनसे ही यहाँ पर हम देखें पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जो संसाधन होते हैं उनकी प्राप्ति होती है और उनका जो उपयोग होता है वो किया जाता है। तो प्राथमिक क्रियाओं का संबंध किससे बताया, प्राथमिक क्रियाओं का संबंध जो बताया पर्यावरण से प्रकृति से सीधा बताया, क्योंकि इनसे ही विभिन्न पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जो संसाधन होते हैं, संसाधन जो होते हैं विभिन्न जो वस्तुएं होती है जैसे भूमि के द्वारा, जल के द्वारा, वनस्पति के द्वारा, भवन निर्माण सामग्री, खनिज, इनका उपयोग होता है वो सीधा किया जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, तो प्राथमिक कार्यों के अंदर हम देखें आखेट करना, आखेट यानी शिकार, आखेट यानी शिकार करना, भोजन संग्रह भोजन को इकट्ठा करना, पशु चारण पशुओं को चराना, वनों से लकड़ी को काटना, कृषि करना, खनन आदि जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। अब आखेट का जो कार्य है और जो आखेट के माध्यम से कई बार भोजन जो संग्रह भी किया जाता है, तो ये मानव सभ्यता के अंदर हम देखें जब हजारों वर्षों पूर्व जब मानव असभ्य था तो अपने जीवन निर्वाह के लिए वो पर्यावरण के ऊपर निर्भर था, पूर्ण रूप से वातावरण के ऊपर निर्भर था और उसका जो कार्य है उसका जो जीवन है वो अपना जीवन वातावरण के ऊपर रह करके निर्वाह करता था। ठीक है, तो वहां पर वो पशुओं को आखेट करता और अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जितनी भी जो वस्तुएं होती थी वनों से, जैसे कन्ने मूल फल इनकी प्राप्ति करता था। जो आदिकालीन मानव जो था वो किसके ऊपर निर्भर था, आदिकालीन जो मानव था पूर्ण रूप से हम देखें वो पशुएं होते हैं, पशुओं के ऊपर निर्भर था। कुछ पशु जो होते हैं बहुत अधिक गर्म जो क्षेत्र होता है वहां पर पाए जाते हैं और कुछ जो पशु होते हैं बहुत ज्यादा ठंडा जो क्षेत्र होता है वहां पर पाए जाते हैं और अपना जो जीवन है वो यापन करते हैं। धीरे धीरे जो तकनीकी विकास हुआ, तकनीकी विकास के कारण
जो जो कुछ मत्स्य क्षेत्र थे, मछली के जो क्षेत्र थे जहाँ पर मछलियों को पकड़ा जाता था, एक उनका आधुनिकीकरण हुआ और कुछ मछलियों को पकड़ने का कार्य जो तटवर्ती जो क्षेत्र थे इन तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर आसानी से किया जाने लगा। जब जितने भी जो जीव थे वो तटों के आसपास कुछ इन्वायरमेंट में पर्यावरण के अंदर इनका ये लोग शिकार करते थे, आखेट करते थे। जब ये इनका आखेट करते थे, इनका शिकार करते थे, तो वहाँ पर पाया जाना अवैध शिकार के कारण वहाँ की जो स्थिति है कैसी हो गई, संकटपन प्रजातियाँ हो गई, यानी कि जीवों की जो स्थिति है परिस्थिति है संकट में हो गई और कई प्रजातियाँ ऐसी थी वो वहाँ से लुप्त हो गई यानी समाप्त हो गई। आखेट के माध्यम से कई ऐसी प्रजातियाँ थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। अब जो प्राचीन काल के अंदर जो आदिकालीन जो मानव था, जो प्राचीन काल के अंदर आदिकालीन जो मानव था, इनके औजार हुआ करते थे। अब इनके औजार क्या होते थे, इनके औजार हम देखें पत्थर के होते थे, लकड़ी के बने होते थे, तीर होते थे। इन सब के माध्यम से यहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी जो जीव जंतु थे इनका शिकार किया करते थे। तो जिसके मारे जाने से पशुओं की जो संख्या हो गई बहुत ही सीमित हो गई। और पशुओं की जब संख्या सीमित हो गई तो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया और भोजन जो संग्रह का जो कार्य है उसका भी विभिन्न स्तर के ऊपर विभिन्न रूपों के अंदर ये कार्य किया जाता है। आदिकालीन जो मानव था अपना भोजन वस्त्र शरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनस्पति का संग्रह करते, रोटी कपड़ा मकान के लिए वनस्पति जो जंगलों के अंदर रहने वाले जो पेड़ पौधे होते थे उनका संग्रह, उनसे जो प्राप्त जो वनस्पतियां होती थी, पत्तियां होती थी, उनका संग्रह करते थे। ये कार्य बहुत ही कम पूंजी, निम्न स्तरीय और बहुत ही कम जो तकनीकी ज्ञान की जो आवश्यकता होती थी। तो इस तरह से भी अपन ने देखा भोजन संग्रह के बारे में और आखेट के बारे में। जो भोजन जो संग्रह का जो कार्य है वो मोटे तौर के ऊपर हम देखें दो भागों में किया जाता था। तो कौन कौन से दो भाग थे, तो एक तो उत्तरी भाग था उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र के और एक निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। तो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र कौन कौन से थे, तो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों के अंदर हम देखें कि उत्तरी कनाडा, यूरेशिया और दक्षिण जो चिली है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों के अंदर आते हैं। और कुछ जो क्षेत्र है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र के, निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर विश्व के अंदर भोजन का संग्रह का कार्य किया। वर्तमान समय के अंदर हम देखें कि भोजन संग्रह का जो कार्य है इसका व्यापीकरण हो गया है और लोग व्यापीकरण इसलिए हो गया क्योंकि इनसे कई तरह की औषधियाँ तैयार होने लगी, पत्तियों से, इनकी छालों से, और एक बाजार के अंदर बेचने का कार्य प्रारंभ हो गया। लोग इसका अत्यधिक उपयोग करने लगे। उदाहरण के तौर के ऊपर देखें जैसे कुनेन की गोली हम देखें, चमड़ा तैयार करना, कार के ढक्कन तैयार करना, पत्तियों का उपयोग करना, कई जो पेय जो पदार्थ होते हैं इसका उपयोग करना, कई दवाइयों का उपयोग करना और रबड़ का उपयोग करना। तो आज वर्तमान समय के अंदर हम क्या देख रहे हैं, वर्तमान समय के अंदर भोजन जो संग्रह का जो कार्य है इसका क्या हो गया, व्यापीकरण हो गया। तो अभी अपन ने देखा भोजन संग्रह के बारे में, लेकिन विश्व स्तर के अंदर हम देखें
विश्व स्तर के ऊपर जो भोजन संग्रहण का जो कार्य जो किया जाता है इसका ज्यादा महत्व नहीं है। इसका ज्यादा महत्व इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि विष के अंदर हम देखें कई ऐसी क्रियाएं होती है, कई ऐसे उत्पाद तैयार होते हैं जिससे इनकी प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती। तो विष के अंदर की प्रतिस्पर्धा नहीं होने की वजह से ये भोजन संग्रहण का जो कार्य है इसका ज्यादा महत्व नहीं। अब आता है पशु चारण, अब इसके बारे में कल आपको बताया जाए।